हेलो गाइस, कैसा हैं आप सभी लोग। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग एक पोको का डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो, क्योंकि फाइनली पोको की तरफ से पोको लॉन्चर का एक ब्रांड न्यू अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। सो कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, और अगर आपकी डिवाइस के अंदर अभी कोई भी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रही है पोको लॉन्चर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर सोल्व होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है सो आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का। सो जल्दी से आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देना है। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी हमारा जो डिवाइस है ना, इसके अंदर जो पोको लॉन्चर का लेटेस्ट वर्जन है ना वो यहाँ पर रन कर रहा है, तो वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 4.38.155.21। तो ये आप लोगों को यहाँ पर अपडेट का वर्जन नंबर देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आप लोग नया वाला जो अपडेट है ना उसको चेक करते हो सो इसका आपको यहां पर वर्जन नंबर मिलता है 4.38.1.5544। तो आपको सिंपली क्या करना है, एपीके उसको यहां पर इंस्टॉल कर लेना है। वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि कहां से आपको एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है। तो एक सेकंड का टाइम लगेगा, अभी इसको यहां पर इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो डिवाइस है ना इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो यहां पर मिलती है या फिर नहीं। मेरा जो डिवाइस है इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर ऐप ड्रॉवर के अंदर देखने को मिल रही है, कि ऐप ड्रॉवर है वो इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क नहीं करता है। तो गाइस एक काम आप लोग यहाँ पर जरूर से कीजिएगा, अगर आप लोग जैसे अपने डिवाइस के अंदर पोको लॉन्चर है उसको इंस्टॉल कर ले तो सो एक बार आपको अपना जो फोन है ना उसको एक बार रिबूट कर देना है, ताकि सारी चीजें ना वो अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर सके। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इस अपडेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया था और मैंने चेक किया था कि इस अपडेट के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलती है या फिर नहीं। तो आप लोग इस अपडेट को यहाँ पर बिना चेक करे हुए यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। आप लोग देख पा रहे होंगे ऐप ड्रॉवर है वो एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। वहीं अगर आप लोग कंट्रोल सेंटर है उसको चेक करते हो सो इसके अंदर भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं मिलती है। ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पर कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन सेट के अंदर यहाँ पर स्विच हो सकते हो। अगर आपके डिवाइस के अंदर 4GB रैम है ना तो आप लोगों को ये वाला जो ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनली आपकी डिवाइस के अंदर अगर 6GB रैम होगा ना तो ही आप लोगों को ये जो ब्लर दिखाई दे रहा है ना वो आपको मिलेगा। बाकी अगर आपके पास में कोई ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर 4GB रैम है तो आपको ये ब्लर नहीं मिलेगा। और ये जो डिफरेंस है ना वहां पर क्रिएट किया जाता है पोको की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 4GB रैम है उसके अंदर भी आपको यहां पर सारे फीचर है ना वहां पर प्रोवाइड कराने चाहिए जो कि आपको यहां पर 6GB रैम के अंदर मिलते हैं। अगर आप लोग यहां पर सेटिंग के अंदर मोर के अंदर जाते हो सो 4GB रैम के अंदर आपको यहां पर ये तीनों ऑप्शन है वो भी नहीं मिलेंगे। अगर 6GB रैम वाला आपका वेरिएंट है तो आप लोग इसको जरूर से एक बार रिलैक्स पे यहाँ पर सेट कीजिए, आपके यहाँ पर डिवाइस की जो एनिमेशन है ना वहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूट्यूब एप्लीकेशन है, इसकी एनिमेशन आप लोग देख पा रहे होंगे काफी हद तक आप लोगों को यहाँ पर एक एप्पल का और जो सैमसंग का डिवाइस है ना उसकी तरह देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही डिवाइस मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो आपको बता सकता हूँ कि जो यहाँ पर एनिमेशन है वो 6GB वेरियंट के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। और गाइस अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी ये एप्लीकेशन तो सिंपली आपको यहां पर टेलीग्राम को ओपन करना है, यहां पे आपको सर्च करना है सहेज सेन अपडेट, तो आपको हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यहां पर आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, और आप लोग हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर भी आपको जो न्यूज है ना वो यहां पर मिलती रहती है। तो गाइस यही एक छोटा सा रिव्यू है ना वो आपके साथ में शेयर करना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।